गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अर्चना, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर 1 द विटी मैन का पेज नंबर 7 एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज आपको पेज नंबर 8 इसी चैप्टर का एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं चैप्टर, आप सभी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इट्स नो वंडर, किम सेड, ये आश्चर्य नहीं, ही टुक आउट द पीस ऑफ चीज फ्रॉम हिज पॉकेट एंड स्क्वेज्ड इट। अब किम ने क्या किया, जो चीज के टुकड़े रखे हुए थे अपने पॉकेट में उसे बाहर निकाला एंड उसे निचोड़ दिया। वॉटर बिगेन टू ड्रिप फ्रॉम हिज हैंड, पानी बहने लगा, पानी की जो बूंदे थी उसके हाथों से गिरने लगी। द जाइंट वॉज सरप्राइज, राक्षस आश्चर्यचकित हुआ, हैरान हुआ। ही नाउ थ्रू अ स्टोन अप इनटू द स्काई, अब उसने एक पत्थर आसमान में फेंका। ही केम डाउन, इट केम डाउन ऑन द ग्राउंड आफ्टर हाफ एन आवर, और वह वापस आया आधे घंटे के बाद। इट्स नथिंग सेड किम, किम ने कहा इतना ही नहीं। ही टुक द बर्ड आउट ऑफ द पॉकेट, अब उसने चिड़िया को निकाला अपने पॉकेट में से एंड थ्रू इट अप इनटू द एयर, और उसे छोड़ दिया या फेंक दिया हवा में। बट द बर्ड डिड नॉट कम, लेकिन चिड़िया वापिस नहीं आई। जैसे कि पहले राक्षस ने क्या किया, राक्षस ने एक स्टोन फेंका जो कि हाफ एन आवर के बाद, आधे घंटे के बाद वापस आ गया, लेकिन किम ने क्या किया, जो चिड़िया थी उसे फेंका और वो वापस ही नहीं आई। द जाइंट थॉट हिमसेल्फ दैट दिस वाज रियली मोर पावरफुल देन हिम, जाइंट ने सोचा अपने आप से, जाइंट ने अपने आप से कहा या सोचा कि ये जो आदमी है वास्तव में पावरफुल यानी शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली है मेरे से। ही रेन अवे फ्रॉम डैट लैंड, वे वहां यानी उस धरती से भाग गया, उस जगह से भाग गया। किम रिटर्न टू हिज होम, और किम वापिस आ गया यानी किम ने अपनी चतुराई से उस जाइंट को वहां से भगा दिया। व्हेन द किंग हर्ड ऑफ किंग किम्स विट्स, जैसे ही राजा ने किम की चतुराई के बारे में सुना, ही वॉज प्लीज सो मच, जैसे उसकी चतुराई के बारे में सुना कि उसने अपनी चतुराई से राक्षस को भगा दिया है, तो वह बहुत खुश हुआ। ही मेड हिम द चीफ ऑफ हिज आर्मी, तो उसने खुश होके, जैसे कि आप सभी को गिफ्ट मिलता है जब कोई आपसे खुश होता है, तो राजा ने भी उसे चीफ बना दिया अपनी आर्मी का जो दल है उसके चीफ यानी मिनिस्टर बना दिया। तो ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज इस चैप्टर का पेज नंबर 9 मैं आपको फिल करवा रही हूँ आप, और एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, आप अपनी बुक में ही इसे फिल करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट टॉपिक, टिक राइट द करेक्ट आंसर। 3 आंसर गिवन करे हैं, 3 पॉइंट्स गिवन किए हैं, राइट आंसर पे टिक करना है। सबसे पहले किम लिव्ड इन ए, किम कहाँ रहता था, प्लेस में, सिटी में या माउंटेन में। किम रहता था सिटी में, यानी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है देयर इज ए जायंट इन माई, जायंट कहाँ रहता था, किंगडम में, होम में या सिटी में। जायंट रहता था, इसका राइट आंसर है ए, किंगडम में। थर्ड, द किंग मेड किम द चीफ ऑफ हिज, किंग ने क्या बना दिया था किम को चीफ, कहाँ का चीफ बनाया था, कोर्ट का, कोर्टियर का या आर्मी का। तो थर्ड का राइट आंसर है आर्मी, आर्मी पर सभी राइटिंग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, कुछ वर्ड्स दिए हैं उन्हें हमें फिलअप में फिल करना है। फर्स्ट वन देखेंगे, किम वॉज ए लेजी मैन, किम कैसा आदमी था, लेजी। सेकेंड, आई हेयर यू किल्ड 10 विद ए स्ट्रोक, मैंने सुना है तुमने 10 को मारा है। थर्ड, द जाइंट सॉ हिम एंड बिगेन टू लाफ, यानी थर्ड में आएगा जाइंट। फोर्थ, ही टुक द बर्ड आउट ऑफ द पॉकेट, उसने चिड़िया को निकाला था अपनी पॉकेट में से, किम ने निकाला था अपनी पॉकेट में से।
फिर द किंग मेड किम द चीफ ऑफ आर्मी, किंग ने क्या बनाया था, चीफ बनाया था उसे अपनी आर्मी का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, सही के लिए हमें टी लिखना है, गलत स्टेटमेंट के लिए फॉल्स लिखना है, और सामने स्पेस दिया है यहीं पर आप फिल करेंगे। फर्स्ट वन है किम वॉज ए फूल, क्या किम बेवकूफ था, फॉल्स। सेकेंड द किंग आस्क हिम टू फिनिश द जाइंट, ट्रू। थर्ड द जाइंट थ्रू ए बर्ड अप इनटू द स्काई, फॉल्स, जाइंट ने नहीं फेंका था चिड़िया को बल्कि किम ने फेंका था। फोर्थ किम किल्ड 10 मैन विद ए स्ट्रोक ऑफ ए ब्रूम, क्या किम ने 10 आदमियों को मारा था झाड़ू के एक छटके से, फॉल्स। लास्ट फिफ्थ देखेंगे किम स्क्वेज्ड आउट वाटर फ्रॉम द चीज, क्या किम ने पानी निकाला था चीज में से, राइट। दोबारा से एक बार देख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वन में सभी स्टूडेंट एफ फिल करेंगे, सेकंड वन में सभी स्टूडेंट टी फिल करेंगे, थर्ड में एफ फिल करेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट है, फोर्थ में भी फॉल्स फिल करेंगे एंड लास्ट में ट्रू फिल करेंगे। तो मैंने आज आपको केवल चैप्टर वन का पेज नंबर 9 ही आपको कराया है, सभी स्टूडेंट इसे अपनी बुक में फिल करेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। होमवर्क में है लर्न चैप्टर 1 पेज नंबर 9। ओके क्लास, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे का चैप्टर कराऊंगी। थैंक यू।